सो फाइनली गाइस, क्या आप लोग भी फायर बोल्ट की कोई भी स्मार्ट वॉच या फिर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें आपका कुछ कमी आ गया है तो उसके कस्टमर केयर में आपको बात करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज किस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप लोग अपने फायर बोल्ट में जो कस्टमर केयर से बात किस प्रकार से करेंगे। तो सारी जानकारी जानने के लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करना होगा। तो देखिए दोस्त, जो इनका नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिनसे आप इनसे डायरेक्ट कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और यहाँ पर आप उनसे कॉल पे सारी डिटेल पूछ सकते हैं। तो चलिए आपको नंबर बताते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर आपको आना है क्रोम पे और यहाँ पर सर्च करना है आपको BSNL और उसके बाद कस्टमर केयर, सॉरी फायर वोल्ट लिखना है आपको, फायर वोल्ट कस्टमर केयर नंबर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। और यहाँ पर देखेंगे ये आपको नंबर दिया जाएगा और ये इनकी GMAIL ID मिल जाएगी। तो आपको GMAIL ID कॉपी करनी है और GMAIL ID कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो नंबर दिया जाता है इस नंबर पे आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्त देखिए, मैं भी BSNL का ही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ और मेरी जो BSNL की घड़ी है ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ ऑन ऑन होती है। तो मैंने इसको ठीक कर दिया है। अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपकी घड़ी ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो रही है, कुछ और प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके आप हमारी दूसरी वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर हमने इसका पूरा सोल्यूशन बताया गया है। तो देखिए दोस्त, अभी ये जो नंबर प्रोवाइड किया गया है इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको दूसरा नंबर दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे कॉल करेंगे तो वहाँ पर कॉल जो आपकी है ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी, आपकी कॉल नहीं लगेगी। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया है और उसके बाद ही आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरह की जो दिक्कत है वो आपको देखने के लिए मिल सकती है। ये देखिए, ये BSNL का दूसरा नंबर है और इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो ये आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये देखिए हमारी कॉल अभी चल रही है और यहाँ पे स्पीकर पे डाल देते हैं और कॉल यहाँ से जो है ये देखिए ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो चुकी है, यानी कि आपका जो कॉल है वो कस्टमर केयर में नहीं लगेगा। तो दोस्त, आपको यहाँ पर जो इनको GMAIL ID मैंने बताई थी आपको कॉपी कर लेना है और GMAIL ID में आने के बाद यहाँ पर आपको सेंड पे जाना है और जो है इनको एक मैसेज जो है मेल वो सेंड कर देना, जो GMAIL ID मैंने आपको बताया था वो GMAIL ID सेंड कर दीजिए। फायर बोल्ट के नाम से GMAIL ID आपको मिल जाएगी, इसको सेंड कर दीजिए और यहाँ पर अपना जो भी मैसेज है इनको टाइप करिए। ये आपको रिप्लाई 24 से 48 घंटे में ज़रूर देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे।